हेलो फ्रेंड्स आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कर पर तो फ्रेंड्स आज जो आप लोगों का साइंस का पेपर हुआ है कक्षा कक्षावी वालों का तो इस वीडियो में आप लोगों को साइंस पेपर का फुल सोल्यूशन मिलने वाला है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स एक बार इसकी मत करें तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो में आगे तो कुछ इस तरह का आप लोगों का साइंस का पेपर आया था विज्ञान का कक्षा कक्षावी वालों का भी पेपर है सबसे पहले बात करें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तो यहाँ आपकी स्टार्टिंग में शुरू होते हैं ऑब्जेक्टिव में सही विकल्प चुनकर लिखिए क्वेश्चन टाइप पहला क्वेश्चन है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है तो ये इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपको गैस ठीक है ना ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आयोडीन टिंचर कीटाणु रोधी गुण रखता है यह विलियन निम्नलिखित में से किस को घोलने पर बनता है तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन द इसका करेक्ट हो जाएगा अल्कोहल में आयोडीन घोलने पर यह बनता है इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो थर्टी यानी बत्तीस होता है इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा तो ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा दो आठ और दो इसके बाद पाँचवा है लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं तो ये गॉल्जी उपकरण से उत्पन्न होते हैं इसके बाद छठवाँ नंबर है अस्थियों में अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है तो ये कंडरा है ठीक है ना इसके बाद सातवां नंबर है चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है तो मीटर प्रति सेकंड ठीक है ना इसके बाद आपका आठवा नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती वर्ण ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं तो वस्तु के इस गुण को फ्रेंड्स जड़त्व तो कहते हैं ऑप्शन सर आ करेक्ट हो जाएगा इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो आपके स्टार्टिंग में शुरू होते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए ठीक है रिक्त स्थान भरिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि किस प्रक्रम में गैसी पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है तो संघनन ठीक है ना घर्ण इसके बाद आप लोगों का दूसरा है अबोगाद्रो स्थिरांक है तो अबोगाधरो दशमलव छ दशमलव जीरो दो दो गुणे दस की पावर तेईस ठीक है ना ये होता है इसके बाद आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी क्वेश्चन संभव हुई तो नाभिक परमाणु नाभिक की खोज संभव हुई ठीक है ना परमाणु नाभिक की खोज संभव हुई इसके बाद बढ़ते आगे आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है प्लास्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं तो प्लास्टिक्स दो प्रकार के होते हैं ठीक है ना दो प्रकार के इसके बाद आहार नली में पेशियां पाई जाती हैं, तो आहार नली में अरेखित अरेखित एवं मायोजेनिक पेशियाँ पाई जाती हैं मायोजेनिक मायोजेनिक पेशियाँ पाई जाती हैं इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं तो विस्थापन कहते हैं ठीक है ना विस्थापन विस्थापन इसके बाद आप लोगों का सातवां नंबर क्वेश्चन है करने की क्षमता को क्या कहते हैं तो ऊर्जा कहते हैं बढ़ते आगे तो आप लोगों का अगला प्रश्न सही जोड़ी मिलाइए ठीक है ना पहला क्वेश्चन है शुष्क वर्क तो इसका हो जाएगा ठोस सी ओ टू यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्क कहते हैं ब्रोमीन तो ब्रोमीन अधातु है अमोनियम एन एच फोर प्लस जेम्स चैडविक तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी न्यूट्रॉन पास्कल दाब का मात्रक है एक किलोवाट एक हजार जूल प्रति सेकंड सभ्यतापरास बीस हार टच से बीस हजार हार के मध्य गाजर घास पारथेनियम ये हो गई आपकी करेक्ट सही जोड़ी इसके बाद आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर दीजिए पहला क्वेश्चन है सौ डिग्री तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए तो इसका केल्विन में हो जाएगा जब कन्वर्ट करेंगे तो तीन सौ तिहत्तर केलविन के बराबर होता है हंड्रेड डिग्री डिग्री सेल्सियस ठीक है ना हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में तीन सौ लिखते हैं इसके बाद दूसरा है मिफ धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए तो पीतल जो मिफ धातु है इसमें फ्रेंड्स तांबा और जस्ता मिलाया जाता है ये आपके घटक हो गए ये पीतल में तांबा और जस्ता ये पीतल मिफ धातु के घटक हैं तांबा और जस्ता ठीक है ना इसके बाद थर्ड नंबर है दो कोशिकांगों अंगों के नाम लिखे जिनका अपना डीएनए होता है तो माइट्रोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ठीक है ना माइट्रो माइट्रोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स माइट्रोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स इसके बाद चौथा है नारियल के रेस छिलके किस उतक से बने होते हैं तो दृढ़ उतक से बने होते हैं दृढ़ से बने होते हैं इसे इस क्लेरेंट काइमा भी कहते हैं इसके बाद पाँचवें है बाल का मात्रक क्या है तो बाल का मात्रक न्यूटन होता है एल्फे दर्शाते हैं न्यूटन और छठों नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु पर आठ न्यूटन का बल लगाने पर यह बल दिशा में बारह मीटर विस्थापित हो जाती है तो कार कितना होगा तो सिंपल सा फॉर्मूला था फ्रेंड्स कार निकालने का डब्लू बराबर एफ एस तो बारह आपका हो जाएगा आठ गुणे बारह तो बारह अठे छियानवे जूल ठीक है ना क्योंकि कार का मात्रक जोर होता है इकाई ठीक है ना इसके बाद रवि की दो फसलों के नाम लिखिए तो रवि की दो फसल हैं जैसे गेहूँ हो गया और चना हो गया ये आपकी दो मुख्य फसल हो गई इसके बाद आपकी स्टार्ट स्टार्ट होते हैं दो नंबर वाले क्वेश्चन तो ये तो आपसे बन गए होंगे तीन नंबर वाले क्वेश्चन तो कुछ ही तरह का पेपर आया था कोई कठिन पेपर नहीं था फ्रेंड्स बहुत ही सरल पेपर था उम्मीद करता हूँ आप लोगों से पेपर बन गया होगा आप अच्छे साइंस के पेवर में अच्छे नंबरों से पास होंगे तो इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को अब प्रश्नों के आंसर बताया हूं आप लोग अपने अपने आंसर में कर लीजिए कि आपसे कितना नंबर का पेपर बना कौन कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए ठीक है ना तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो इतना ही मिलता हूँ अभी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम